मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अज़ीज़ साथियों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आपने इससे पहले मुजफ्फरनगर के एक स्कूल और टीचर और एक बच्चे की आपने दास्तान सुनी थी कि एक गैर मुस्लिम टीचर ने नाबालिग बच्चे को उन्हीं के साथियों से किस तरह से गलती होने पर पिटवाया था, ये खबर भी जो है स्कूल की है और मुजफ्फरनगर के इलाके की है। स्कूल का नाम है माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल। वहाँ भी टीचर जो है एक बच्चे को कैसी बेरहमी से मारता है, ये वीडियो दिखाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन आप पहले इस वीडियो को ज़रा देखिए मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, एक शिक्षक जो है, एक पाठ पढ़ाने वाला, एक उस्ताद जिसको कहा जाता है कि वो बाप का रूप हुआ करता है, वो किस तरह से बेरहमी करता है एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, उसको इतनी बेरहमी से उसके सर पर वार करता है। हमने समझा कि बच्चे से कोई गलती हुई होगी या उसका सबक याद ना होगा, लेकिन इतनी बेरहमी से बच्चे को मारना, ये कौन सा मजहब इजाज़त देता है? पहली बात तो हम ये कहते हैं, कोई मजहबी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि बच्चे को स्कूल के अंदर या मदरसे के अंदर अगर कोई गलती उससे होती है तो उस पर इतनी तेज़ी के साथ, बेरहमी के साथ उस पर वार किया जाए, उसको इतना मारा और पीटा जाए कि बच्चे को जो है मुजफ्फरनगर के लोकल डॉक्टरों ने जो है उसको हॉस्पिटल के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए रेफ़र कर दिया है। मेरे दोस्त, आप देखिए कि कैसी गंदी जहनीत के लोग आज स्कूलों के अंदर बैठे हुए हैं कि ये अंदाज़ा लगता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का रुख न जाने किस तरफ जा चुका है कि मुस्लिम बच्चों से गैर मुस्लिम टीचरों को इतनी नफ़रतें उनके जहनों में बैठ चुकी है कि आज वो बच्चों तक को भी, नाबालिग बच्चे को भी स्कूलों के अंदर नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाप इस स्टूडेंट के, तालिब इल्म के बाप का नाम है मुकर्रम, और इन पर भी इसी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। लोकल पत्रकारों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस खबर को न दिखलाएं, जैसा कि इससे पहले जो टीचर ने एक बच्चे को पिटवाया था और वहाँ के उस बच्चे के माँ बाप पर ये जोर डाला था लोगों ने कि वो किस चीज़ की मांग ना करे, इसी तरह से अब इस मामले के अंदर भी यही बात सामने आ रही है कि लोकल पत्रकारों को ये, उनको खबर दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि इस खबर को ना दिखाएं। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि एक शिक्षक अगर इस तरह की हरकत करता है तो हमें फिर ये अंदाज़ा लगाना चाहिए, और फिर हम ये कहते हैं कि शायद के इन शिक्षकों को पहले खुद सीखनी चाहिए कि हाँ, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से इन शिक्षकों को, इन टीचरों को शायद के पढ़ाना भी नहीं आता है कि बच्चों पर इतना जुल्म कि बच्चा अपना होश खो दे। आप बच्चे को इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है तड़प रहा है। मेरे अजीज़ों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इस तरह की ये बच्चों के साथ हरकतें हो रही हैं उनको जो है इंसाफ मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।